आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आज तारीख है 13 जनवरी, दिन है बुधवार और ये शाम का डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर है। मेरा नाम अमन गुप्ता है। गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद आज दुष्यंत चौटाला ने पीएम मोदी से मुलाकात की। हरियाणा की सरकार में साझेदार उनकी पार्टी पर गठबंधन छोड़ने का दबाव बन रहा है, बावजूद इसके चौटाला बहुत सहज नजर आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है जानेंगे। अमेरिका में ट्रंप के सत्ता छोड़ने से पहले लोगों की चिंता ये है कि वे खुद को माफ कर सकते हैं और अपने करीबियों को माफी दे सकते हैं, तो क्यों करना चाहते हैं ट्रंप ऐसा, कैसे करेंगे और क्या उनके पास खुद को माफी देने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तीसरी खबर में बात होगी कि कैसे अयोध्या में वैक्सीनेशन की लिस्ट में शामिल हो गया एक मर चुकी नर्स का नाम और इस गलती को लेकर क्या कार्रवाई हो रही है। इसके बाद आखिर में बताएंगे कि कैसे व्हाट्सएप छोड़े बिना डिजिटली सिक्योर रहा जाए। लेकिन फिलहाल हेडलाइंस का वक्त है, सुनिए खुशबू कुमार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को देश में कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत करेंगे, साथ ही वे इस दौरान कोविन ऐप को भी लॉन्च करेंगे। भारतीय वायुसेना के बेड़े में जल्द ही 83 तेजस विमान शामिल होंगे। लड़ाकू विमान तेजस की 48,000 करोड़ रुपए की डील को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा हिंद और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन की याचिका पर विचार करने की सहमति दे दी है। बता दें कि दोनों संगठनों ने असम के NRC कोऑर्डिनेटर हितेश देव शर्मा द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के खिलाफ अर्जी लगाई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों को मुफ्त वैक्सीन नहीं देती है तो दिल्ली सरकार अपने खर्चे पर जनता को मुफ्त वैक्सीन लगवाएगी। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में पूर्व सांसद केडी सिंह को गिरफ्तार किया है। केडी सिंह तृणमूल कांग्रेस की ओर से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। हालांकि TMC ने इस कार्रवाई के बाद सफाई दी है कि अब केडी सिंह का उनकी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार सिंह के हथियारों की तलाशी शुरू हो गई है। इस मामले की तहकीकात कर रही SIT ने पटना, गोपालगंज और छपरा में छापेमारी की है। अमेरिकी वेबसाइट द काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट ने दुनिया के 20 सबसे खतरनाक कट्टरपंथियों की लिस्ट जारी की है। इस सूची में नाम शामिल किए जाने पर मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने कड़ा एतराज जताया है। ब्राजील में चीन की सिनोवैक बायोटेक वैक्सीन का नया डेटा पेश किया गया है। डेटा में वैक्सीन की एफिकेसी रेट 50.4% पाई गई है, जो इसके पहले जारी किए गए डेटा से बहुत कम है। और ICC ने बीते दिन एक पोल की शुरुआत की थी जिसमें बतौर कप्तान किसका प्रदर्शन बेहतर रहा उस पर वोटिंग हुई। विराट कोहली और इमरान खान दोनों के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन इमरान खान ने 47.3% वोट हासिल कर इस पोल में बाजी मार ली। शाम का खबरनामा दिन भर सुन रहे हैं आप, मेरा नाम अमन गुप्ता है। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ बैठे किसानों ने हरियाणा की राजनीति में हलचल पैदा कर रखी है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी JJP के बीच दरार की खबरें उड़ने लगी हैं। हरियाणा की सत्ता में BJP के पास 40 सीटें हैं, JJP के पास 10 और 5 स्वतंत्र विधायक हैं। मुसीबत ये भी है कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को ये कहा कि कांग्रेस खट्टर सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने अभय चौटाला का समर्थन भी किया। अभय चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLO के इकलौते विधायक हैं जो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। कहा जा रहा है कि JJP पर सरकार से समर्थन वापसी के लिए लगातार किसान नेताओं का दबाव पड़ रहा है और इसी को लेकर JJP नेता और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल पहले तो गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद आज वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। हालांकि उन्होंने मंगलवार को साफ किया था कि राज्य में सरकार को कोई खतरा नहीं है और 5 साल का पूरा टर्म किया जाएगा। अब ऐसे में 2 दिनों से बैठकों का दौर चल रहा है, इसे हरियाणा की राजनीति में कैसे देखा जाए, यही पूछा मैंने आज तक रेडियो रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा से। देखिए, कल जो मुलाकात हुई थी उसमें पूरी तरीके से किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई थी।
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने जो है गृह मंत्री अमित शाह को फीडबैक दिया था हरियाणा के बारे में और बताया था कि किस तरीके से जो है किसानों के बीच में सरकार जाके ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि तीनों कृषि संबंधित कानून जो है वो किस तरीके से किसानों के फायदे में है। दूसरा, आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मुलाकात की, उन्होंने अपनी पार्टी की कुछ मांग रखी है। उनका कहना है कि हिसार के अंदर एयरपोर्ट को जो है वो जल्द से जल्द बनाया जाए, वहां से फ्लाइट चालू हो। उन्होंने कॉटन को लेकर कहा कि कॉटन खरीदने के सेंटर्स जो है वो बढ़ाए जाए जिससे कि हरियाणा के किसानों को फायदा हो। उन्होंने तमाम इस तरीके की मांगे रखी जो जेजीपी ने अपनी घोषणा पत्र के अंदर चुनाव के समय रखी थी। दूसरी बात, किसानों के मुद्दे को लेकर दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री के सामने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी बिल्कुल सरकार के साथ खड़ी है और उनके सभी विधायक जो हैं इस बिल के समर्थन में हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हमने आज बातचीत की बहुत से लोगों से तो उन्होंने ये छन कर आया कि जेजेपी के जो विधायक हैं वो अपनी अपनी विधानसभाओं में जाकर किसानों को ये समझाएंगे कि ये तीनों कानून जो हैं वो किस तरीके से किसानों के फायदेमंद हैं। और अभी तक पिछले 6 सालों के अंदर मोदी सरकार ने किसानों के फायदे के लिए क्या क्या बड़े कदम उठाए हैं और किस तरीके से जो है मोदी सरकार जो है 2022 तक किसानों की इनकम को दुगना करने के लिए प्रयासरत है और लोगों के मन में जो भी भ्रम है किसानों के मन में उनको दूर करने का काम जेजीपी के विधायक और उनके कार्यकर्ता घर घर जाके हरियाणा में करेंगे। अच्छा हिमांशु, चौटाला पर तमाम तरह के प्रेशर हैं, किसान आंदोलन का दबाव है, स्थानीय प्रेशर है, लेकिन इन सब के बीच चौटाला गठबंधन में फिलहाल सहज नजर आते हैं। क्या है इस सहजता की वजह, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए बिल्कुल दुष्यंत चौटाला के ऊपर बहुत प्रेशर है। कई उनके विधायक जो है पहले इन तीनों कानूनों के खिलाफ जो है बयान दे चुके हैं, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने अपने सभी विधायकों को एकजुट दिखाने की कोशिश की। कल उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने से पहले अपने सभी विधायकों को अपने फार्म हाउस पे लंच पे बुलाया, सबसे बातचीत की और फिर पार्टी की रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से जो है पार्टी इन तीनों कानूनों को लेकर जनता के बीच में जाएगी और कैसे हरियाणा सरकार में किसानों के हित में काम किए जा रहे हैं और कैसे मोदी सरकार ने पिछले 6 सालों में किसानों के लिए जो है कदम उठाए हैं और कैसे मोदी सरकार के हर फैसले में कहीं ना कहीं किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो कदम बढ़ाए जाते हैं। ये सारी बातें लेकर जो है जेजीपी भी मैदान में उतरना चाहती है और जनता के बीच जाएगी। ये थे आज तक रेडियो रिपोर्टर हिमांशु मिश्रा। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया है और उपराष्ट्रपति माइक पेंस से 25वें संविधान संशोधन को लागू करने की अपील की गई है। इस संविधान संशोधन के तहत अयोग्य राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है और किसी दूसरे योग्य को या उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाया जाता है। हालांकि महाअभियोग लाकर ट्रंप को हटाया जाए उससे पहले इन चर्चाओं का बाजार गर्म है कि ट्रंप माफी देने के अधिकार का फायदा उठा सकते हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होती है कि वो संघीय अपराधों के मामले में किसी भी दोषी को माफी दे सकता है। इसके लिए वो ना तो कोई वजह बताने के लिए बाध्य है, ना ही कोई सीमा तय है कि कितनों को माफी दी जाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि मसला राज्य के खिलाफ अपराधों से जुड़ा ना हो और किसी अधिकारी पर महाअभियोग न चलाया गया हो। आपको याद होगा हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने माइकल फ्लिन को माफ कर दिया था। माइकल फ्लिन जो उनके NSA थे, उन्होंने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप टीम और रूस के बीच संभावित मिलीभगत के बारे में FBI को झूठा बयान दिया था। ट्रंप अब तक 28 लोगों को माफी दे चुके हैं जिनमें भ्रष्ट राजनेताओं से लेकर हत्यारे तक शामिल हैं। और अब जैसे जैसे सत्ता हाथ से जाने का दिन नजदीक आ रहा है, लोगों को लग रहा है कि ट्रंप ज्यादा से ज्यादा लोगों को माफी दे सकते हैं, यहां तक कि खुद को भी। और ये एक बड़ी चिंता है कि ट्रंप खुद को माफी दे सकते हैं। हालांकि 2018 में ट्रंप ने एक ट्वीट किया था कि वो खुद को माफी क्यों ही देंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन उनके भड़काऊ बयानों के बाद कैपिटल हिल में जो हुआ उसे लेकर संदेह है कि वो खुद को माफ कर सकते हैं। इसे लेकर अमेरिकी प्रशासन में अटॉर्नी जनरल रहे विलियम बर ने और व्हाइट हाउस के एक अन्य अधिकारी पैट सिपोलोन ने ट्रंप को ये सलाह दी है कि वे खुद को माफ ना करें।
सियासी हलकों में भी इसे लेकर चिंता है। तो इस चिंता के पीछे का कारण क्या है, ये पूछा मैंने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में रिसर्च फेलो और अमेरिका की राजनीति की बेहतर समझ रखने वाले कशिश परपियानी से। ये इस बात को लेकर दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है कि ट्रंप का जो बेसिस है कि मैं वो खुद को क्षमा कर सकते हैं, वो एक लीगल थ्योरी से आता है जो है काफी कंजर्वेटिव लीगल थ्योरी है, जिसको कहते हैं यूनिटरी एग्जीक्यूटिव। उसके तहत इन लोगों का क्या मानना है, कंजर्वेटिव का क्या मानना है कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है वो लेजिस्लेचर ब्रांच जैसे नहीं है, जहां पे आपके पास सेनेट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, तो कुल मिलाकर 500 से अधिक लॉ मेकर्स है वहां पे, तो वो लेजिस्लेचर ब्रांच का कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में सिर्फ एक प्रेसिडेंट है, तो वो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफिस में नहीं है उसका पावर्स, वो प्रेसिडेंट के पास है पावर्स। तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव थ्योरी रीडिंग जिसको बोलते हैं, बहुत ही लूज रीडिंग ऑफ द थ्योरी जिसको बोलते हैं। उसके तहत ट्रंप कह रहे हैं कि वो अपने आप को ही पार्डन कर सकते हैं। तो एक तो इशू ये है, दूसरी इशू यहाँ ये है कि प्रीएम्प्टिव पार्डन्स का तो हिस्ट्री में एग्जांपल्स है, मगर ऐसे केस में नहीं कि राष्ट्रपति खुद को पार्डन करे। तो ये तो जो जुडिशरी और जूरिसप्रूडेंस का एक बेसिक तत्व होता है कि आप अपने खुद के केस में आप जज नहीं बन सकते, तो ये उस मायने से भी एक अबनॉर्मल बात है, और इसलिए इस चीज को लेकर यूएस में अब काफी टेंशन चल रहे हैं। अच्छा कशिश, 2018 का अगर ट्रंप का बयान देखें जिसका मैंने जिक्र किया, तो क्या वजह है, वो खुद को माफ क्यों करना चाहते हैं? अभी तो ट्रंप में जिस तरह मैं देख रहा हूँ, ट्रंप बड़े असमंजस्य में फंसे हैं, क्योंकि अब वो सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अभी उनके पास लेस देन 7 वर्किंग डेज बचे हैं ऑफिस से निकलने के लिए, और अभी जो अगले प्रेसिडेंट आ रहे हैं वो उनके पार्टी के नहीं है। तो अगर आप हिस्ट्री में एक पैरेलल देखें तो निक्सन और जेराल्ड फोर्ड का पैरेलल सामने आता है कि निक्सन ने रिजाइन किया इम्पीचमेंट के डर से, इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स के तहत, उसके बाद उन्होंने रिजाइन किया, फोर्ड जो उनके उपराष्ट्रपति थे वो प्रेसिडेंट बने और फोर्ड ने उनको पार्डन किया निक्सन को। अब इस केस में जो अगले प्रेसिडेंट आ रहे हैं वो उनके उपराष्ट्रपति तो है नहीं, उनके पार्टी के भी नहीं है, ऑपोजिट पार्टी के हैं। अब तो डेमोक्रेट्स हाउस में भी कंट्रोल है उनका, सेनेट में भी कंट्रोल है उनका, तो आगे जाकर ट्रंप के लिए लीगल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ने वाली हैं। मगर अब कौन करेगा उनको पार्डन, क्योंकि लिए फोर्ड और निक्सन वाले एग्जांपल में तो सेल्फ पार्डन का तो इशू था ही नहीं, क्योंकि नए प्रेसिडेंट, इनकमिंग प्रेसिडेंट ने निक्सन को पार्डन किया है फॉर ऑल हिज क्राइम्स दैट ही मे हैव कमिटेड, तो वो एक प्रीएम्प्टिव पार्डन भी था। अब इस केस में ट्रंप के पास ही ये पावर्स और किसके पास तो है नहीं, तो वो अब बड़ी कोशिश करेंगे अगले एक हफ्ते में, वो आर्ग्यू करें, लीगल स्कॉलर्स को लाएंगे, कंजर्वेटिव लीगल स्कॉलर्स को अपने साथ लाएंगे और बोलेंगे कि जो यूनिटरी एग्जीक्यूटिव थ्योरी है जिसके तहत वो कह रहे हैं कि वो अपने आप को सेल्फ पार्डन कर सकते हैं, वो उसको लेकर काफी पुश करने वाले हैं अगले एक हफ्ते में। बिल्कुल कशिश, यहाँ फोर्ड और निक्सन वाली कहानी है नहीं, और अब जो आने वाले हैं सत्ता में जो बाइडन वो डेमोक्रेट है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ट्रंप के पास सेल्फ पार्डन के अलावा कोई रास्ता नहीं है? अब तो मुझे लगता है एक राजनीतिक बार्गेन होगा पीछे, क्लोज डोर्स के पीछे मुझे लग रहा है कि अब रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स मिलेंगे, ट्रंप के साइड से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, डेमोक्रेट्स बोलेंगे अगर ठीक है हम आगे जाकर इन्वेस्टिगेशन नहीं चलाएंगे ट्रंप पे, मगर ट्रंप जब प्रेसिडेंसी छोड़ेंगे January 20 को, उसके बाद ट्रंप को साइलेंट रहना है, ट्रंप को फिर पॉलिटिकल गेम्स बाहर रहकर खेलने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कुछ तो पॉलिटिकल बार्गेन या कुछ एक समझौता करके अगर ट्रंप बच सकते हैं तो वही एक अल्टरनेटिव है, अदरवाइज जैसे मैंने कहा सेल्फ पार्डन के अलावा तो इस कोने से निकलने के लिए कुछ है नहीं। और अगली खबर पर बढ़े उससे पहले आपको बता देते हैं लेटेस्ट पॉडकास्ट के बारे में। लेटेस्ट पॉडकास्ट में हमारे साथी कुमार केशव ने वरिष्ठ खेल पत्रकार राजेश राय से इस मसले पर बात की है कि सिडनी टेस्ट में लोगों ने पुजारा को क्यों भुला दिया, तो पुजारा के योगदान को लेकर और साथ ही साथ चौथे टेस्ट मैच में क्या विकल्प बचते हैं, इन्हीं मसलों पर बातचीत की गई है, आप ज़रूर सुनिए। ये पॉडकास्ट आपको हमारे वेब पेज aajtak.in/podcast पर मिल जाएगा। जब आप यहां लॉगिन करेंगे तो आपको स्क्रॉल करके पॉडकास्ट सेक्शन में जाना है, यहां पर आपको ये पॉडकास्ट दिख जाएगा। हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है
जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके, यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नवंबर के महीने में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने यूपी में कोरोना टेस्टिंग पर सवाल उठाया था। उन्होंने धांधली के आरोप लगाए थे कि जांच सिर्फ कागजों पर की जा रही है और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी काबू में है। लेकिन अब हम टेस्टिंग से लेकर वैक्सीनेशन तक बढ़ चुके हैं। 16 जनवरी को देश भर में COVID-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गड़बड़ियों का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में वैक्सीन लगने वाले लोगों की लिस्ट में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहाँ वैक्सीनेशन के लिए फ्रंटलाइन वर्कर्स के नामों की एक लिस्ट बनाई गई, जिसमें एक ऐसी नर्स का नाम शामिल हुआ जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। गड़बड़ी को लेकर यह पूरा मामला क्या है, विस्तार से मैंने जाना अयोध्या में ही आज तक रेडियो रिपोर्टर बनबीर सिंह से। एक्चुअल में COVID-19 की जब प्रथम में वो हुआ कि टीकाकरण होगा यानी इंजेक्ट किया जाएगा लोगों को जब COVID-19 से बचाव के लिए, तो उसके लिए एक सूची बनाई गई फर्स्ट फेज के लिए, जिसमें सबसे पहले स्वास्थ्य जो कर्मचारी हैं और जो ऐसे विभाग हैं जो सीधे डायरेक्ट तौर पर इफेक्टिव होते हैं, आम लोगों के टच में रहते हैं, तो ऐसे विभागों की सबसे पहले जो है COVID-19 में वैक्सीनेशन का काम होगा। अब हुआ क्या कि स्वास्थ्य विभाग से भी ऐसी सूची मांगी गई, हर जिले से यूपी के इस तरह की सूची मांगी गई, तो स्वास्थ्य विभाग ने जो अपने यहाँ की सूची बना के दी, उस सूची में जो है एक मृतक नर्स का नाम था, एक ऐसी नर्स का नाम था जो ऑलरेडी रिटायर हो चुकी थी बहुत पहले, एक ऐसे डॉक्टर का नाम था जो संविदा पे अपॉइंट था लेकिन वो बहुत पहले उसकी संविदा खत्म हो चुकी थी। अच्छा बनबीर, ये बताइए कि क्या इसे केवल ह्यूमन एरर माना जाए या जानबूझकर की गई गलती, क्योंकि कोरोना से लड़ने में इस तरह की गड़बड़ियां पहले भी यूपी में हो चुकी हैं। देखिए, ये ह्यूमन एरर और लापरवाही के बीच का मामला है। एक्चुअल में ह्यूमन एरर ये होता है कि जो हम जांच करके कर रहे हो और गलतियां हो जाए, हमसे टाइप ऑफ मिस्टेक या कुछ इस तरह की चीजें, लेकिन इसमें इस तरह का नहीं, इसमें क्लियर निग्लिजेंसी का मामला नहीं, लापरवाही का मामला है ये, क्योंकि जिन कर्मचारियों ने ये डाटा फीड किया है उन्होंने पुराने डाटा को उठा के सीधे तौर पे वही डाटा भेज दिया है, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया ये कंफर्मेशन करने की कि ये एम्प्लॉई हमारे यहाँ कार्यरत है कि नहीं है, या ये मर गया या ये संविदा से रिलीज हो गया। अच्छा बलबीर, इस घटना को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है और सरकार का इस पर क्या बयान आया है? जी, अभी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आए थे यहाँ पे अयोध्या, उनके सामने भी ये मामला उठा और उस दौरान भी उन्होंने कहा कि ये बड़ी लापरवाही है कर्मचारियों की, अगर इस तरह के COVID-19 जैसे प्रकरण में इस तरह की इतनी बड़ी वो की जा रही है निकलेंसी, तो उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर सीएमओ को कहा कि हम लोगों के सामने ही कहा कि इस मामले में एक जांच कमेटी बनाइए, इसकी जांच करिए और जो भी दोषी कर्मचारी हो इस पूरे मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो जाहिर तौर पे ये मामला बड़ा है, अगर आपने इसके पहले भी देखा होगा कि बहुत से ऐसे मामले यूपी से आए जिसमें कि COVID-19 की रिपोर्ट ही जो है पॉजिटिव को निगेटिव, निगेटिव को पॉजिटिव की जा रही थी, और ये एक दूसरा मामला है जब टीकाकरण होने जा रहा है और जिसको लेके भारत खुद अपने पूरी विश्व में अपनी अपनी एक एक, एक भूमिका बता रहा है कि हम जो है इस मामले में इतने वो है। उस मामले में अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में, वो भी अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में, इतनी बड़ी लापरवाही होती है तो निश्चित तौर पे इसकी इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, और मंत्री ने बिल्कुल साफ किया है यूपी के कि इस मामले में कार्रवाई होगी। अब ये देखना ये होता क्या है आने वाले दिनों में। ये थे अयोध्या से आज तक रेडियो रिपोर्टर बनबीर सिंह। और सोशल मीडिया हमारे रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा हो गया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तमाम ऐसे मीडियम हैं जिनका हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्राइवेसी को नज़रअंदाज कर जाते हैं। अक्सर हम बिना टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाल ही में जब व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी सख्त की तो बहस छिड़ी कि व्हाट्सएप छोड़ दिया जाए, दूसरे मीडियम्स की तलाश की जाए। फिर कहा गया कि ऑन अ कंपेयर बेसिस सिग्नल या टेलीग्राम ऐप बेहतर है। ऐसे में अच्छी खासी तादाद लोगों की इन ऐप्स पर स्विच कर गई। लेकिन हमसे पिछली पीढ़ी के लोग, हमारे माता पिता या दादा दादी, जो कुछ हद तक व्हाट्सएप चलाना सीख गए थे क्योंकि सिखा दिया गया था, अब उनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है कि कैसे नए ऐप की टेक्निकलिटीज़ को समझा जाए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि क्या व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर देना विकल्प है? नहीं, दरअसल असल मसला खुद को डिजिटली सिक्योर रखने का है। तो ये कैसे रहा जाए, यही पूछा मैंने इंडिया टुडे में टेक जर्नलिस्ट मानस तिवारी से।
तो सडनली हुआ क्या है कि बहुत सारे लोगों को एकदम से लग रहा है कि व्हाट्सएप इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनका डेटा या उनका डेटा कलेक्ट कर रहा है या उसका किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, और सबको लग रहा है कि अगर हम व्हाट्सएप छोड़ देंगे और हम टेलीग्राम सिग्नल किसी और प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो शायद सारी जो प्रॉब्लम्स हैं सारी दुविधाओं का मतलब समाधान हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरे भी ऐप्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो इंस्टाग्राम हो, खासकर जो फेसबुक वाले ऐप्स हैं, पर इसके अलावा जितने भी ऐप आपके फोन में है वो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ डेटा जो है कलेक्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे ही आप नया फोन खरीदते हैं और जब आप फोन को सेटअप करते हैं उस टाइम कुछ डेटा तो आपका जो फोन मैन्युफैक्चरर है वो ही मांग लेता है, तो हर एक स्टेज पर आपका कहीं ना कहीं डेटा कलेक्ट हो रहा है। तो किसी भी प्लेटफॉर्म को छोड़ देना वो सोल्यूशन नहीं है, बल्कि लोगों को ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि वो कौन कौन सी एप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी जो जरूरत है इस समय वो है शायद डिजिटल सैनिटाइजेशन की, यानी आपके फोन में आज मैं देखता हूँ हर किसी के फोन में 50, 60, 70 ऐप्स होती हैं और जिनमें से बहुत सारी ऐप्स ऐसे हैं जो हम बिना इस्तेमाल किए बिना भी रह सकते हैं, जिनके जिनके जैसी दूसरी ऐप्स भी हमारे फोन में होती हैं। तो यहाँ पर जरूरत यह है कि हम इन ऐप्स जो नंबर ऑफ ऐप्स है उनको जितना कम कर सकें उतना हमें करने की कोशिश की करनी चाहिए, प्लस हमें बहुत सावधानी से सिर्फ ऐसी ही एप्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिनकी आपको जो आपका कम से कम डेटा कलेक्ट करती हो, जिनकी आपको सही में आवश्यकता हो। अच्छा मानस, ये तो हुई ऐप से जुड़ी बात, लेकिन इंटरनेट सर्फिंग करते वक्त भी हमारा तमाम तरह का एक्सेस लिया जाता है, उससे कैसे सुरक्षित रहा जाए? बिल्कुल, और आई थिंक सबसे ज्यादा डेटा जो यूजर्स का है वो कहीं ना कहीं गूगल या गूगल क्रोम के थ्रू ही कलेक्ट हो रहा है, क्योंकि अगर आप गूगल पे आज कोई भी एक छोटी सा छोटा सामान भी, मतलब अगर आपको घर के लिए एक कुर्सी तक लेनी हो और आपने वो सर्च करा और उसके बाद अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म खोलेंगे तो वहां पर आपको उससे रिलेटेड दूसरे प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो डेटा आपका कलेक्ट हो रहा है वो तो कहीं ना कहीं गूगल के एंड पर ही हो रहा है। हालांकि गूगल ने कहा है कि इस साल में क्रोम जो उसका ब्राउजर है वहां पर वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाला है, लेकिन यूजर्स को कोशिश ये करनी चाहिए कि जब वो क्रोम भी यूज कर रहे हैं थर्ड पार्टी कुकीज को ब्लॉक कर दें या फिर दूसरे ब्राउजर्स की तरफ जाएं और दूसरे ब्राउजर्स का इस्तेमाल करें। ये थे इंडिया टुडे में टेक जर्नलिस्ट मानस तिवारी। तो आज दिन भर में बस इतना ही। आज लोहड़ी का त्यौहार है तो आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और कार्यक्रम से जुड़ा अगर आप कोई फीडबैक हमें देना चाहते हैं तो आप पता नोट कर लीजिए, ईमेल है radio@aajtak.com। इस ईमेल पर आप हमें अपने सुझाव, अपनी शिकायतें, अपने मशवरे हमें भेज सकते हैं, हम उन पर गौर करेंगे, खुद में सुधार करने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पर भी हम हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, यहाँ पर आज तक रेडियो डालकर सर्च कीजिए, हम आपको मिल जाएंगे। आज तक रेडियो के कार्यक्रम आप तमाम तरह के ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर, जियो सावन, इन सब पर खोज सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए वहां जाकर ताकि आपको समय से अपडेट मिलता रहे। अमन गुप्ता के साथ थे आप, इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।